वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप गुप्ता आज फिर आपका SGC के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि BSc पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें यूनिट में है। और इसमें जो जितने भी टॉपिक्स हैं वन बाय वन आपको डिस्कस करा जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है ये जान लो पहले, कि सबसे पहला ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और दूसरी बात ये है कि उस केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड किस तरह से टूटता है, क्लीवेज मतलब टूटना होता है, किस तरह से बॉन्ड का क्लीवेज होता है, वह हेट्रोलिटिक हो सकता है या होमोलिटिक हो सकता है, और कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। और जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन या जो भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है आपके सिलेबस में, उसको पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज आपको पढ़ाया जाएगा कि मैकेनिज्म क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानेंगे, मैकेनिज्म का एग्जैक्ट डिफिनेशन पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले जानो, मैकेनिज्म जो होता है वह यह कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई हम स्टार्टिंग मटेरियल या सब्सट्रेट लिए थे, वह कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो उसी को बताता है। यानी कह सकते हो मैकेनिज्म एक बहुत बढ़िया पाथवे है बताने के लिए कि हमारा रिएक्टेंट से या स्टार्टिंग मटेरियल से प्रोडक्ट कैसे बना है। एक लाइन में डिफिनेशन लिख सकते हो कि मैकेनिज्म इज बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट। क्लियर। फिर लिखा है कि ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट देन दैट कैन बी यूज्ड, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल पॉसिबल रिएक्शन। ये कहा जा रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो हमारा रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो नंबर ऑफ पाथवे हो सकते हैं और उनको हम मेमोराइज इजीली नहीं कर सकते या कह सकते वह इम्पॉसिबल है। इस चीज को बताने के लिए कि उसमें से उन नंबर ऑफ पॉसिबल वे में से कौन बेहतरीन रास्ता है, कौन बेहतरीन तरीका है बताने के लिए कि प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट से कैसे बन रहा है। ऑर्गेनिक रिएक्शन आर ऑलवेज या ऑफन ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म। किसी भी केमिकल रिएक्शन का या ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो ग्रुप्स होते हैं उनको ग्रुप के आधार पे, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उनको ग्रुप के आधार पर उनको हम नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म के कैटेगरी में रख सकते हैं कि वह मैकेनिज्म हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जा रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन से जा रहा है कि एडिशन रिएक्शन से जा रहा है। क्लियर। अब मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम उसको जान लेते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा हम एक स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं जिसको हम सब्सट्रेट कहते हैं, और इसके साथ कोई रिएजेंट हम देते हैं, वह रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। अब रिएजेंट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। स्टार्टिंग मटेरियल मतलब हम जो लेकर चल रहे हैं उससे प्रोडक्ट बनाना है, और हम क्या कर रहे हैं कि कोई रिएजेंट इस्तेमाल करें और जो यह स्टार्टिंग मटेरियल है इसी को हम सब्सट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सट्रेट कहते हैं। और जो हमारा इधर बनता है, हमारा जिसको हम डिजायर्ड प्रोडक्ट कहते हैं, जो हमें चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यही सब है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, सब्सट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, यही सब हम फंडामेंटल ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में जानते हैं। और एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सब्सट्रेट रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं, नहीं। उसके लिए हम यहाँ कुछ कंडीशन भी, कहीं कहीं आप एरो के ऊपर देखते होंगे कि जैसे टेम्परेचर दे देता है, प्रेशर दे देता है, हीट दे देता है, तो वो सब देखना है। और एक चीज़ याद रखना, अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल से
रिएजेंट दे करके कुछ यहाँ पर कंडीशन दे दे रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल से प्रोडक्ट बन जा रहा, नहीं, इसको यहाँ जाने से पहले बीच में कोई अनस्टेबल स्पीसीज बनाना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है ये भी आगे बताया जाएगा, बस अभी इतना जानो कि जब सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट बनता है तो वह सबसे पहले बीच में कुछ अनस्टेबल स्पीसीज बनाता है जिसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। आई थिंक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फंडामेंटल मतलब हम ये जो लिख रहे हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल लिया हमने, रिएजेंट लिया, यहाँ एरो के ऊपर कुछ कंडीशन दे दिया और प्रोडक्ट बन गया हमारा। और याद रखना यह एरो का मतलब ये है कि जो हमारा रिएक्शन है इस साइड से इधर चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर। अब ये देख लो क्या होता है, पाथवे क्या है लिखने का। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल लिखोगे, रिएजेंट लिखोगे, स्टार्टिंग मटेरियल दोगे, रिएजेंट लोगे, फिर वो क्या बनाएगा, हम लोग यही जानते हैं आज तक डायरेक्ट ही, हम स्टार्टिंग मटेरियल लिए, रिएजेंट अप्लाई करे और डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, नहीं, वह सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाता। अब जहां पर इंटरमीडिएट आ गया वर्ड, जहां भी जिस भी केमिकल रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट बन गया है, तो याद रखना जो प्रोडक्ट बनेगा वो कभी 100% होगा नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट बनता है, हमेशा कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब जैसे मान लो हम यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल लेकर चले थे और प्रोडक्ट बनाया, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो मिला, उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड मटेरियल भी निकले, कुछ अनवांटेड अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी बने जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए होता, उसको हम बोलते हैं क्या, बाय प्रोडक्ट। जैसे इंडस्ट्रीज चलती है तो इंडस्ट्रीज में नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें आप लोग देखते हो कि ड्रेनेज आउट ऑफ वाटर कर दिया जाता है, तो वो केमिकल वाटर रहता है कि जो भी गंदा पानी रहता है वो ड्रेनेज में या नदियों तालाबों में डाल दिया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यही बाय प्रोडक्ट होता है, क्लियर हो गया होगा बाय प्रोडक्ट। अब ये देखो सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट का मतलब ये है कि सबस्ट्रेट हम उस मटेरियल को कहेंगे जो किसी रिएक्टेंट जो किसी रिएजेंट से रिएक्शन में जाता है, कह सकते हो सबस्ट्रेट वह रिएक्टेंट होता है जो रिएजेंट से रिएक्शन करता है और एक नया बांड बना करके प्रोडक्ट बनाता है। यह हमारा सबस्ट्रेट है, मान लो इस यह एक तरह का ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएजेंट से रिएक्शन में रिएजेंट के साथ रिएक्शन में जाता है और क्या बनाता है, हमारा प्रोडक्ट बनाता है। और एक चीज याद रखना, हमेशा प्रोडक्ट में जब बनता है तो एक नया बांड बनता है, इन दोनों के बीच कुछ ऐसी रिएक्शन आप देखोगे, बांड टूटेगा, बांड ब्रेक होगा और इसमें जब ये बनेगा तो कुछ नया बांड बन जाएगा, क्लियर। अब फिर लिखा है कि अगर दोनों रिएक्टेंट कार्बन को सप्लाई करके, दोनों रिएक्टेंट है दोनों में कार्बन है, अगर वह इलेक्ट्रॉन कार्बन को सप्लाई करके कार्बन को दे करके एक नया बांड बनाते हैं तो वह आर्बिट्री, अपना आर्बिट्री चॉइस होता है कि जो हम चाह सकते हैं, और उस समय उस केस में जिसपे हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, हमेशा फोकस हमारा सबस्ट्रेट पे रहता है कि हम सबस्ट्रेट कैसा लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ से आपका शुरुआत होता है कि कर्व एरो नोटेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमें जाननी है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जानना है, तो सबसे पहले हम एरो के बारे में जानना होगा कि एरो क्या होता है। जैसे आप लोग 12th की बुक्स में आप देखते हो कि नंबर ऑफ एरो बना दिया जाता है और आप समझ नहीं पाते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख दिया उसमें तमाम प्रकार के एरो लिखे रहते हैं और आप उसको समझ नहीं पाते हो, लेकिन आज आप उन चीजों को जान जाओगे वेरी इजी वे में। तो देखो सबसे पहला एरो आप 12th की बुक्स में या BSc की कुछ बुक्स पढ़ते हो तो ऐसा लिखा रहता है, इसका मतलब ये है, यह जो एरो बताता है यह उस केमिकल रिएक्शन से
शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ले जाने का बताता है, या मूवमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताता है। और अगर मैं उसी केमिकल रिएक्शन में, कहीं आप केमिकल रिएक्शन में ऐसा देख जाओ, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ डबल हेडेड एरो है और यहाँ अगर सिंगल हेडेड रहता है, ये कहता है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही मूवमेंट को बताता है, ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताता है। और अगर आप जैसे मान लो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये, अगर यह दोनों किसी इस बांड के द्वारा आपको दिखाया जाता है, तो ये कहोगे यह एक तरह का कोवैलेंट बांड है। ये क्या बता रहा है, हमारा कोवैलेंट बांड है। और कैसा है, सिग्मा बांड है। कैसा बांड है, सिग्मा बांड है। अगर आप ऐसा कहीं देखते हो तो ये कहोगे ये डबल बांड है, जिसमें एक हमारा क्या, एक सिग्मा बांड है और एक क्या हमारा पाई बांड है। क्या है हमारा दूसरा, पाई बांड है। क्लियर है। अब ये देखो, ये एक तरह का नोटेशन होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन में देखो, कोई रिएक्टेंट हमने या स्टार्टिंग मटेरियल सब्सट्रेट ले लिया और प्रोडक्ट, तो यह तो बताएगा कि यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड में, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल से प्रोडक्ट में जा रहा है। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा देखने को मिल जाए, इसका मतलब ये है जिस रेट से हमारा आरपी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जिस रेट से हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, उसी रेट से हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा, यानी कि इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। यह जो बताता है रिवर्सिबिलिटी आप कंडीशन बताता है, या इक्विलिब्रियम रिएक्शन को बताता है। और यह जो एरो बता रहा है, यह रेजोनेंस को बताता है। किसको बताता है, यह जो डबल हेडेड एरो है, यह किसको बताता है, रेजोनेंस को बताता है। कि जैसे आप देख सकते हो, यह बेंजीन है, बेंजीन में हमने डबल हेडेड एरो बनाया है, फिर यही इलेक्ट्रॉन उठ करके हमने यहाँ ऐसे कर दिया, ये कर दिया है, तो ये सारी चीजें हुआ। एक चीज और ध्यान देना, इसमें क्या करा क्या गया है, यहाँ से ऐसे पहुंचा गया है कि अगर हम इसमें, इस बांड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ दो, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो क्या होगा रिजल्टिंग में, देखो रिजल्ट में हमारा क्या होगा, एक कार्बन पे भी फ्री रेडिकल, इस कार्बन पे भी फ्री रेडिकल, इस पे भी। क्लियर। अब ये सोचो, यह जो दोनों कार्बन फ्री रेडिकल था, ये बांड बन जाए और ये यहाँ से यहाँ बन जाए, तो वही बना हुआ है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक कार्बन पे भी फ्री रेडिकल, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी और चौथे पे भी, ये दोनों तो बांड बना लेंगे और ये हमारा ये होगा। इसको बोलते हैं दीवार बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DEWAR, दीवार बेंजीन बोलते हैं। और उसका ये रेजोनेटिंग फॉर्म है। तो आपसे कोई भी अगर पूछे कि जो केकुले, यह जो स्ट्रक्चर आपको मैं लिख रहा हूँ, ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये केकुले स्ट्रक्चर होता है, और यह वाला रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जो सर्किल रहता है, तो यह केकुले स्ट्रक्चर है और यह क्या है, दीवार बेंजीन है। तो यह दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म होते हैं, या दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेंस को एक नाम और दिया जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म वही होता है कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, उसको हम एक सिक्वेंशियल तरीके से बता दें या डिस्क्राइब कर दें, डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, किस तरह से, किस जरिया से, किस पाथवे से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट, उसी को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आपको जो पढ़ना है फिशन ऑफ ए कोवैलेंट बांड, जो कोवैलेंट बांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोवैलेंट बांड ही पढ़ना होगा, कि कोवैलेंट बांड का ब्रेकिंग कैसे होता। दो तरीका है, या तो वह हेट्रोलिटिक हो सकता है, और दूसरा भी आपको बताया जाएगा उसमें होमोलिटिक हो सकता है। तो हेट्रोलिटिक मतलब क्या होता है, हेट्रो मीन्स होता है अलग अलग, या जो सेम ना हो, या डिफरेंट, और हेट्रो मतलब डिफरेंट या सेम, और लिटिक मतलब टूटना, क्लीवेज मतलब बांड का टूटना। हेट्रोलिटिक मतलब जब इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के द्वारा ले लिया जाएगा। जैसे ये देखो, हम अगर आपके सामने कोई CH3Br है, तो अगर कि
किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान यहाँ जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यह दोनों लेकर Br ही निकल जाए, क्या हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के Br निकल जाए तो Br पे हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें हुआ क्या है, यह जो पहले इस इलेक्ट्रॉन्स में सॉरी इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था एक ब्रोमीन का था, एक कार्बन का था एक ब्रोमीन था, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारा Br ब्रोमीन ही इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया है। तो इसको आप बोलोगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें होता क्या है, जब हेट्रोलिटिक हो जाता है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आना आता है, यानी जिसकी इस शेयर्ड में जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस केस में एक ग्रुप या एक एटम या एक मॉलिक्यूल हमारा इलेक्ट्रॉन का सेक्सेट रखता है, यानी इसके पास 6 पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके पास 6 पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ मैं देखो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितने हैं, जो निगेटिव चार्ज रहता है उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। वो कैसे, आप देख आप सोचोगे इस पे तो केवल एक ही निगेटिव चार्ज है, नहीं, इसके पास इस हैलोजन है इसके पास 3 लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और यह 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो एक एटम पर एक मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो अपना सेक्सेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रखेगा, और जिस पे निगेटिव चार्ज आएगा वो कौन सा रखेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करा रहेगा, क्या रहेगा, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर, यहाँ देख सकते हो कि CH3Br था, वही आपको एक्सप्लेन करा गया है। अब कौन सी स्पीसीज बनती है किसी केमिकल रिएक्शन में जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो याद रखना जब भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो हमेशा दो ही स्पीसीज बनेगी, या तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे क्या आएगा हमारा, हमेशा निगेटिव चार्ज आएगा। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको आप बोलते हो, अगर वह स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है, अगर वह कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज है, कार्बन बियरिंग स्पीसीज है, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको बोलोगे कार्बोकैटायन, क्या बोलोगे, कार्बोकैटायन, और जो निगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी कारणवश जो बॉन्ड टूट रहा है, अगर जैसे मान लो ये हमारा CH3NO2 है, हम यहाँ पर कोई बेस ले लें, बेस क्या करता है हमारा प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट करता है, तो अगर यह प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा, कार्बन पे हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर किसी कारणवश कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जा रहा है तो आप इसको बोलोगे, इसको बोलोगे कार्ब एनायन, क्या बोलोगे, कार्बन बियरिंग निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्ब एनायन। और यह स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन का आर्डर है कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री और सबसे लीस्ट स्टेबिल 0 डिग्री कार्बोकैटायन। जैसे यहाँ मिथाइल कार्बोकैटायन है तो ये कोई भी डिग्री नहीं, डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अगर कोई भी हमारा ग्रुप है जैसे कार्बोकैटायन, अगर यह कार्बोकैटायन जितने कार्बन से अटैच होगा, जैसे अभी एक कार्बन से अटैच रहेगा तो इसको बोलोगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यही अगर कार्बोकैटायन दो कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा तो आप बोलोगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यही कार्बोकैटायन अगर तीन कार्बन से एक दो तीन कार्बन से अटैच हो गया तो आप बोलोगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। वही आपको यहाँ पर समझाया गया है कि जो हेट्रोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता उसमें स्पीसीज का जब केमिकल रिएक्शन पाया जाता है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा ले लिया जाता है, जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है और जो अदर बचा रहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और एक चीज याद रखना, हमेशा हेट्रोलिटिक क्लीवेज पोलर सॉल्वेंट में ही पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, पोलर सॉल्वेंट में, यहाँ लिखा है हेट्रोपोलर मतलब पोलरिटी उनका डिफरेंट रहे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का सेपरेशन रहे,
जैसे ये हमारा CH3Br था, अभी CH3Br था, इस पे क्या है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज या सेपरेशन है ना, और यह हो सकता है पोलर सॉल्वेंट भी दे दे, तो उस केस में ऐसा होता है, या उसी को जस्ट पोलर रिएक्शन कहते हैं। पोलर मतलब जिसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके सबस्ट्रेट में चार्ज का सेपरेशन हो, जिसके सॉल्वेंट में भी चार्ज का, जैसे पोलर सॉल्वेंट में H2O लिख लो, H2O में क्या है ऑक्सीजन पे निगेटिव रखोगे पार्शियल, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यानी कि इसमें भी चार्ज का सेपरेशन है। अब होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है इसको जरा हम देख लेते हैं। तो होमो मतलब सेम और लिटिक मतलब बांड और क्लीवेज मतलब टूटना, तो होमो मतलब सेम। तो जब सेम कह सकते हो या इक्वल कह सकते हो, तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन का शेयर, इलेक्ट्रॉन का जो यह शेयर्ड पेयर है, दोनों एटम के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, तो बनने वाले स्पीसीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब, फ्री मतलब स्वतंत्र और रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन करेगी, तो यानी कि उस स्पीसीज को हम फ्री रेडिकल कहेंगे जिसपे इलेक्ट्रॉन फ्री का हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम के द्वारा ले लिया जाएगा, उसको बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। जैसे कि इसमें लिखा है कि इन केस ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसी, जैसे ये देखो हमारा, जैसे ये हमारा CH4 है, क्या है हमारा CH4 है। अगर हम यहाँ H न्यू लाइट डाल दूँ तो या हेट डाल दूँ, तो याद रखना कभी भी फ्री रेडिकल तभी मिलता है या होमोलिटिक क्लीवेज तभी होता है जब या तो H न्यू लाइट रहेगा एरो के ऊपर या हीट कंडीशन रहेगा। तो इसमें होगा क्या, जैसे CH4 है इसमें चार्ज का बहुत कम सेपरेशन, तो इसमें होगा क्या, ये इस बांड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर किसी कारणवश दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम, यानी कि जो इस कोवेलेंट बांड का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम के द्वारा एक एक ले लिया जाए, तो उसको बोलोगे क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, होमोलिटिक क्लीवेज। और इसके द्वारा क्या होगा, दोनों एटम पे यानी टूटने वाले दोनों एटम पे, अलग होने वाले दोनों एटम पे एक फ्री रेडिकल या एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे कि इस तरह का, जैसे लिखा सच क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज। ये बात नोट करके याद रखना हमेशा मेमोरी में, कि जब हेट्रोलिटिक बांड क्लीवेज होता है तो हमेशा आयनिक स्पीसीज बनते हैं, यानी कि चार्ज वाले स्पीसीज बनते हैं, लेकिन जब फ्री रेडिकल बनता है, जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, तो हमेशा रेडिकल बनता है या न्यूट्रल स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर हम क्या लिए, RX लिए हैं, RX में दोनों स्पीसीज अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, हीट या लाइट का कंडीशन हमने दे दिया, हीट मतलब डेल्टा और लाइट मतलब H न्यू लाइट का कंडीशन दे दिया है। इसमें जो स्पीसीज बन रहा है हमारा क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, एल्काइल फ्री रेडिकल है या हेलोजन फ्री रेडिकल है, क्लियर है। अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड बाई होमोलिटिक फ्यूजन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल या होमोपोलर या नॉन पोलर रिएक्शन। ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होमोलिटिक बांड क्लीवेज के द्वारा होता है, हीट या लाइट की कंडीशन में होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, तो उसको बोलोगे यह जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है फ्री रेडिकल पाथवे से जा रहा है या होमोपोलर पाथवे से जा रहा है या नॉन पोलर पाथवे से जा रहा है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और थैंक्स टू ज्वाइन विथ अस, थैंक यू अगेन, और नेक्स्ट टर्न पे एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ फिर पढ़ाई होगी। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए आप लोग।